Assalamualaikum students, how are you? I hope by the grace of Allah you are all fine. I'm your maths teacher from Superior School Chichavatni. Here we have the maths book with the title of Mathematics Success for Class 6. First we see how many chapters are there in this book, then we should start. There are total 14 chapters are there in this book. We should start from chapter 1, which name is Knowing Our Numbers. इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिजिट्स एंड नंबर्स मीन डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर मींस डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं. जो हम लोग 0 से 9 तक नंबर्स लिखते हैं वो एक्चुअल में डिजिट्स कहलाते हैं और 0 से 9 तक डिजिट्स जो हैं वो अगर हम आपस में उनको कंबाइन करें तो उनके मिलने से जो हमारे पास नंबर आता है जो हमारे पास एक नया डिजिट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं नंबर. मीन्स जो हमारे पास 0 से 9 तक एक्चुअल नंबर 0 से 9 तक जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो हमारे पास डिजिट्स कहलाते हैं. इससे ऑनवर्ड हमारे पास क्या कहलाते हैं नंबर्स. और डिजिट्स और नंबर्स का साम मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट जो स्टार्ट होता है हमारे पास 1 से एंड सो ऑन कंटिन्यू रहता है इन्फिनिटी तक. मींस हमारे पास नंबर्स कहाँ तक होते हैं इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी का मतलब है इनकी कोई लिमिट नहीं है नंबर्स कंटिन्यू हैं. देन हमारे पास है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे वाला लिखना. मीन्स अगर मेरे पास एक डिजिट है 1 तो मैंने आपसे पूछा है कि उसका सक्सेसर लिखे तो आपने 1 में 1 को प्लस कर देना है. मींस 1 में आप 1 प्लस करोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा 2 आगे वाला नंबर. और प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला. मींस उस जिस नंबर का आपने प्रीडिसेसर फाइंड करना है उसमें से आपने -1 कर देना है. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 का फाइंड करना था तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0. मीन्स 1 से पहले क्या आ रहा है 0 और 1 के बाद क्या आ रहा है 2. मीन्स जो 0 है वो 1 का प्रीडिसेसर है और हमारे पास जो 2 है वो उसका क्या है सक्सेसर. देन हमारे पास आता है टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू होती है डिजिट की किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है 3487 इसमें से आपने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 8 की. तो सबसे पहले आप वो नंबर लिखोगे. सबसे पहले आपने 8 नंबर लिख लिया. देन 8 के बाद आपने काउंट करने हैं कितने डिजिट्स हैं. जितने डिजिट्स होंगे उतने आपने 8 के बाद 0 लगा देने हैं. ठीक है जब आप 0 लगा दोगे तो देन वो 8 की क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू. और फेस वैल्यू का मतलब होता है वो एक्चुअल वर्ड आपने वैसे ही पिक करके लिख देना है. मीन्स अगर आपसे पूछा गया ना 8 की फेस वैल्यू क्या है तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही है. मीन्स फेस वैल्यू उस नंबर की वही नंबर होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मींस आपके पास ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसको आपने किस में चेंज करना है नंबर्स में. आपके पास ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने किस में चेंज करना है नंबर्स में चेंज करना है. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 70,053. मींस आपने इसको नंबर में चेंज करना है. सबसे पहले मैंने आप जैसे हमने 5 क्लास में टेबल पढ़ा था इसमें हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है वंस की देन टेंस की देन 100 फिर 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड सो ऑन चलता ये हमारा टेबल कंटिन्यू रहता है. सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को राइट करेंगे इन नंबर्स में. ठीक है हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ये है 70,053. ठीक है आपको पता है जो हमारे पास नंबर मिस होता है उसकी जगह जो भी हमारे पास बॉक्स में अगर 100 की वैल्यू मिस होती है तो उसकी जगह हम लोग 0 पुट करते हैं. अगर हमारे पास वंस की वैल्यू नहीं होती तो उसकी जगह 0 पुट करते हैं. अब हमारे पास 70,000 था देन हमारे पास 53 है. 1000 के बाद किसका नंबर आता है 100 का लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 की वैल्यू मिस थी तो हमने 100 की जगह क्या पुट किया है 0 देन हमारे पास क्या है 53. इसी तरह आपने इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 12 लाख 12,000 एंड 12. मींस आपके पास करोड़ की भी वैल्यू है लाख की भी वैल्यू है 1000 की भी वैल्यू है एंड देन 12 की. मींस 1 और 10 की भी वैल्यू है सिर्फ यहाँ पे दोबारा से कौन सी मिस वैल्यू है आपके पास 100 की. तो सबसे पहले आपने लिख लिया 12 करोड़ 12 लाख 12,000 एंड 12. तो हमारे पास 100 की वैल्यू मिस थी तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 0. ठीक है बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपने अपनी कॉपी पर राइट करने हैं. देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2. हमारे पास क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. मीन आपके पास पहले आपने वर्डिंग को किस में चेंज किया है नंबर्स में. अब आपने नंबर्स को किस में चेंज करना है वर्डिंग में. मीन्स जैसे हम लोग इस नंबर को रीड करेंगे वैसे ही हमने इसको राइट करना है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू किसकी है वंस की देन टेंस देन 100 देन 1000 एंड 10,000. तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँगी 69,007. ठीक है क्योंकि यहाँ पर टेंस की वैल्यू में भी 0 है और 100 की वैल्यू में भी 0 मीन्स ये दोनों मिस हैं. तो अगर मैंने इसको वर्डिंग फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिखूँगी 69,007. ठीक है देन हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट है 6
6,15,30,807। ठीक है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे किसकी किसकी मिस वैल्यू है, टेंस की। तो टेंस की वैल्यू मिस है, तो हमारे पास ये वंस की थी, टेन की मिस थी, देन हमारे पास हंड्रेड की है, देन हमारे पास थाउजेंड 10,000 की है, लैख 10 लाख की है, देन करोड़ की है। ठीक है, आपने इसको किस में जैसे मैंने इसको रीड किया था 6,15,30,807, तो मैंने जैसे ही इसको रीड किया था एज इट इज़ मैंने हमारी इंग्लिश काउंटिंग में लिख दिया है। तो जब आप इंग्लिश काउंटिंग में लिखोगे तो आपकी ये जो नंबर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, वर्डिंग में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके भी रिमेनिंग पार्ट आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट। तो सक्सेसर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट सक्सेसर का मतलब होता है आपने ये जो आपके पास गिवन नंबर है उसमें क्या कर देना, वन प्लस। तो फॉर एग्जांपल 99 का सक्सेसर क्या होगा, तो हमारे पास 99 का सक्सेसर क्या होगा, 99 में प्लस वन किया तो हमारे पास क्या आया, 100। देन हमारे पास है 8,999, तो इसमें इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें आप वन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,000। मीन्स सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ एक्चुअल वैल्यू में क्या करना है, प्लस वन। तो इसी तरह हमने फाइंड करना है प्रीडिसेसर, मीन्स उससे पीछे वाला, उससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1000, 1000 में से हम लोग माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 999। मींस 1000 से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, 999। आपने जिस भी वैल्यू का प्रीडिसेसर फाइंड करना है उसमें से माइनस वन कर देना है, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर। इसके रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।